हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की डेट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि 10th एनसीईआरटी से लिया गया है और एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन किया था, ओके, जहाँ तक आपको याद होगा। और आज की डेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने वाले हैं। इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी स्टार्ट हैं, तैयार हैं, तो चलिए एकदम जोश होश और लगन के साथ स्टार्ट करते हैं क्या अपना चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, टाइम टू वेस्ट करते हुए हम लोग अपने फोकस पे ध्यान देते हैं, समझ में आया। तो चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम लोग पहले शुरुआत से देख लेते हैं, मतलब होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बाई कॉन्स्टेंट नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे प्राप्त होता है, हाउ कैन यू फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कॉन्स्टेंट कोई फिक्स नंबर जोड़ने या फिर घटाने पर हमें क्या मिलता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है, एक सीक्वेंस मिलता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलता है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, बराबर है। इसके पहले का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए, इससे भी ये पूछा गया कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, मतलब कुछ सीक्वेंस दिए रहेंगे, कुछ लिस्ट दिया रहेगा, उसे पहचानना है कि एपी में है कि नहीं। ओके, विच फॉर्म एपी, कौन सा एपी में है, वी हैव टू फाइंड आउट विच इज द एपी, है ना। तो एपी को फाइंड करने के मतलब कौन सा एपी में है, हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें उसके लिए ये करना होता है कि कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होता है। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब देखा था, तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होता है, और कॉमन डिफरेंस अगर हर एक केस में इक्वल आएगा तो वो एपी फॉर्म करेगा, अदरवाइज वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है, बराबर है। पहला सम क्या है, 2, 4, 8, 6। फर्स्ट इज द 2, 4, 8, 16। अच्छा, इस क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि अगर एपी फॉर्म करेगा तो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलिए ये क्या है, A1, A2, A3, A4, बराबर है ना। हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी, A2 - A1, दैट मीन्स क्या, 4 - 2, दैट मीन्स क्या, 2, है ना। अगेन डी निकालो, अब क्या होगा, A3 - A2 हो जाएगा। भाई हर किसी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस करना है, किसी भी कोई भी टर्म ले लो, एपी का कोई भी टर्म ले लीजिए और उसके पहले वाले में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, उससे उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। A3 - A2 कितना आएगा, 8 - 4 कितना आया, 4। अगेन डी निकालो, 16, मतलब A4 - A3, 16 - 8 कितना आएगा, 8। तो क्या सभी डी अलग अलग है या क्या सभी डी सेम सेम है, तो सभी डी सेम सेम नहीं है, तो लिखेंगे क्या, व्हाट वी राइट, ऑल डीज आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, सोएबो लिस्ट इज नॉट एपी, इज नॉट एन एपी। तो ऊपर वाला जो लिस्ट है वो एपी में नहीं आएगा, समझ में आया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी। अगर कॉमन डिफरेंस डी हर एक केस में इक्वल आएगा तो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बराबर है ना। बोलिए, जहां पर नहीं आएगा बताना पड़ेगा, आपको बताना है कि वाला नहीं आया, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर। ओके, तो तैयार है, चाय पीना तो आ जाइए हमारे घर पे। सो A1, A2,
A3 A4 ऐसे डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, D A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, 2 2 4 और 5 - 4 1, तो 1/2 आया। अगेन D निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। तो A3 - A2, 3 - 5/2 कितना आया, 2 3 6, 6 - 5 1/2 है कि नहीं, क्लियर है ना। अगेन डी निकाल दो यार, क्या दिक्कत है। A4 - A3, 7/2 - 3, 2 3 6, 7 - 6 1/2 है कि नहीं। अगर एक फ्रैक्शन में हो, अगर एक फ्रैक्शन में हो और एक होल में हो, प्लस हो या माइनस, तो हम लोग डायरेक्टली करते कैसे, दिस इनटू दिस जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना है, ऐसा समझ में आए। तो सभी डी क्या है बच्चों, सेम है, लिखा जाएगा ऑल डीज आर सेम। सो एबोलिस्ट फॉर्म एन एपी या इज एन एपी, तो इसका ए क्या होगा, देयरफॉर ए हमारा 2 है, डी हमारा हाफ है, अरे हाफ ही तो आया है ना डी हर जगह, तो डी हमारा क्या रहेगा, हाफ है। ओके नेक्स्ट माइनस वाला है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट सम, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2, वी हैव टू चेक इज इट एन एपी और नॉट। A1 A2 A3 A4, तो पहले क्या निकालोगे, D। ओके T इज इक्वल टू A2 माइनस A1, -3.2 -1.2 है कि नहीं। ये तो खुद का माइनस है, ये तो खुद का माइनस है, ये फॉर्मूला तो माइनस लगाना ही पड़ेगा हमें ना, है कि नहीं, बोलिए स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया, -3.2 और माइनस माइनस +1.2। अब 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 में से गया तो खाली 2 आएगा, माइनस का क्योंकि ये तो बड़ा है ना। अगेन डी निकाल दीजिए, दिस माइनस दिस करेंगे, A3 - A2 है कि नहीं, तो -5.2 -3.2 -5.2 माइनस माइनस +3.2, तो 5.2 में से 3.2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा यानी, ठीक है, सेम ही आ रहा है। फिर अगेन करेंगे तो A4 - A3 ना, क्या आएगा, -7.2 -5.2 देन -7.2 माइनस माइनस +5.2, 7.2 में से 5.2 माइनस हुआ तो कितना आया, -2। यहाँ पे क्या आया, फिर से हमारा सभी के सभी डी सेम है, ऑल डीज आर सेम। तो एबोलिस्ट फॉर्म एंड एपी, इसलिए एबोलिस्ट हमारा क्या बनाएगा, एपी बना देगा, है कि नहीं। तो इसलिए एबोलिस्ट हमारा क्या फॉर्म किया, एपी फॉर्म कर गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट भी देख लिया जाए, ठीक है, कुछ अलग थलग का देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्ड वाला, जैसे फिफ्थ मान लिया जाए, बाकी तो आप कर ही लेंगे ना। 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, चौथा तो आपसे हो ही जाना चाहिए, 3 तक तो हमने बताया है, फोर्थ वाला आपसे हो ही जाएगा, इजी है बिल्कुल, फिफ्थ वाला हम लोग करते हैं, क्लियर है ना। तो चलिए ए सॉरी A1 A2
A3, A4, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, A1, A2, A3, A4, ऐसा। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी, मीन्स A2 माइनस A1, देन व्हाट वी गेट, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 3 कट गया तो कितना आया बच्चा, √2। अगेन डी निकाल दो फिर से, तो A3 माइनस A2 कितना आएगा, 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट लगा दो, -3 प्लस √2। जब माइनस के बाद दो दो टर्म साथ में हो, ध्यान देना, जब माइनस के बाद दो टर्म साथ में हो तो ब्रैकेट लगा देना, वरना क्या होगा, मिस्टेक हो जाता है, गलती हो सकती है। तो कैसे आएगा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। हम लोग करते क्या है, जब इसकी जगह वैल्यू प्लेस करते तो खाली 3 को माइनस करते हैं, √2 को माइनस नहीं कर पाते गलती से, वो गलत है। ठीक है, तो 3 3 कैंसल आउट, 2 √2 माइनस 1 √2 कितना आएगा, 1 √2, और 1 √2 मतलब क्या होता है, √2, 1 तो लिखते हैं नहीं है हम, है कि नहीं। तो अगेन डी निकाल दीजिए आप, A4 माइनस A3, है कि नहीं, दैट मीन्स 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, 3 3 कैंसल, 3 √2 माइनस 2 √2, 1 √2, 1 √2 यानी खाली √2। तो क्या सभी डी सेम आया, आप खुद जज कीजिए, सभी डी सेम आया कि नहीं, रूट 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 सॉरी रूट 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 सभी डीज क्या आया, सेम आया। तो ये लिस्ट ए भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा, क्योंकि सभी डी क्या है, क्या है यहाँ पे, सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंस व्हाट, ऑल डीज आर सेम, वो लिस्ट फॉर्म एन एपी। जब एपी बना देगा तो ए क्या है हमारा, लिख दो पहला वाला 3 है, और डी क्या है हमारा जो आया है √2, वो सब कुछ डिसाइड हो गया, एवरीथिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम दिस। ओके, हमें और भी करना है, तो इस तरह से ये सारे के सारे सम्स होंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये सारा का सारा सम हो पाएगा, बराबर है, सब कुछ एक ही जैसा है। जैसे देखेंगे एक्स आई का, एक्स आई वाला है ए ए स्क्वायर, है ना, ए क्यूब ए पावर 4। ठीक है, तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब डी निकाल दीजिए, A2 माइनस A1, A² माइनस है, फिर से डी निकाल दीजिए, A3 माइनस A2, A³ माइनस A² फिर से डी निकाल दीजिए, A4 माइनस A3, A⁴ माइनस A³ आ गया। तो क्या सभी डी सेम आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है सेम है, इट इज नॉट फॉर्म एपी, इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं बनाएगा, है कि नहीं। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट सम है √2 √8 √18 ना √32। अब ये बताना है कि ये वाला एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तैयार है आप सभी, चलिए पहले इसको रिफॉर्म कर देते हैं, ये √2, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 4 2 2 1, ये पेयर बन गया और ये अंदर रह जाएगा, तो 1 2 बाहर आ गया और ये पेयर अंदर रह गया, बराबर है ना। 16 का देख लीजिए, सॉरी 18 का देख लीजिए, 2 9 3 3 3 1, पेयर किसका बना, 3 का, 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर कर दो और ये √2 अंदर रह जाएगा, इसरे इसका आएगा क्या, 4 √2, क्या जाएगा इसका, 4 √2। अब करिए डी, A1
ए टू, ए थ्री, ए फोर, तो डी ए टू माइनस ए वन, टू रूट टू माइनस रूट टू, यानी क्या आएगा रूट टू। अगेन डी निकाल दीजिए, ए थ्री माइनस ए टू, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, कितना आएगा वन रूट टू, यानी खाली रूट टू है कि नहीं। अगेन डी निकाल दीजिए, ए फोर माइनस ए थ्री, फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू, कितना आएगा वन रूट टू, यानी खाली रूट टू। तो क्या ये एपी फॉर्म किया? ऑफ कोर्स फॉर्म किया। कैसे? ऑल डीज आर सेम ना, द फॉलोएबल लिस्ट इज एन एपी। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? रूट टू है ना, और डी क्या होगा? वो भी रूट टू है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी कोई भी लिस्ट दिया गया हो और उसको एपी में बताना हो तो हम लोग उसका एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी सम हमारे पास बहुत सारे हैं, वो आपके लिए है। ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं शब खैर अगले वीडियो में। दैट मीन्स एंड टर्म ऑफ एपी लेकर हम लोग आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।